उतर जाएगी, ए उतर जाएगी। आप सभी लोगों से कह रही हूं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा, ए उतर जाएगी, ए उतर जाएगी। और जिसको पीनी है पियो मैया के नाम की मस्ती, नाम की मस्ती। जिसको पीनी है पियो मैया के नाम की मस्ती, ये ऐसी है के उतरती नहीं, उतरती। एक बार तालियों से आशीर्वाद चाहते हैं। हाँ ये बात अब सुनो, पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती, पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है, पिलाई जाती है। और ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, तालियों से। पीने वाले को पता है के कैसे पिलाई जाती है, और ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती। फिर मेरी मैया के दरबार से, फिर मेरी दादी के दरबार से ये आवाज लगाई जाती है, फिर मेरी मैया के दरबार से ये आवाज लगाई जाती है। क्या आवाज? आ जाओ गम के मारो, आ जाओ गम के मारो, दुख के सताओ, आ जाओ गम के दरबार में, मेरी मैया के दरबार में, यहाँ फ्री पिलाई जाती है। अगर वो वाली लोग है ना, बहुत पैसा बर्बादी हो जाती है, लेकिन ये वाली लोग तो आबाद हो जाओगी। बोली सच्चे दरबार की जय हो। आइए, एक बार की बात है, कृष्ण भगवान मैया के पास गए। किसके पास? यशोदा मैया के पास। और जाके बोले लगे, अरे मैया। तो यशोदा माँ बोली, लाला का है गो? ये ब्रज भाषा है, उधर मथुरा वृंदावन में ये बोली जाती है। अरे लाला का भयो, अब आपकी उम्र भी हो गई है, घर में कोई ना कोई काम करने के लिए होना चाहिए। जैसे हमारी माता बहने हमारे भाइयों से कहती है ना कि अब मुझ पर काम नहीं होता। अब कृष्ण भगवान माँ की चिंता कर रहे हैं। यशोदा माँ समझ नहीं पाई, बोले हाँ भैया काम तो नहीं होता है, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा, मजबूरी है, लोग करते हैं। अब कन्हैया बड़े नटखट, अब बोले भैया काम नहीं होता, तो काम पर नहीं आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यशोदा माँ बोली, कह दे जो तू कहना चाह रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, रे मैया एक राधा रानी है और बड़ी सुंदर है, और इतनी सुंदर है कि जो भी देख लेता है वो दिल को मोह लेती, इतनी सुंदर उसकी सुंदरता है, ऐसी राधा रानी है। अब तो यशोदा मैया बोली, अगर राधा रानी है तो भैया क्या करना, हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, क्या करें। अब यशोदा माँ भी नहीं समझ पाई, यशोदा माँ बड़ी भोली है। जब कन्हैया गए थे ना छोड़कर, यशोदा माँ बहुत रोई थी, ऐसा भजन आगे को सुनाऊंगी अभी। बहुत भोली है यशोदा मैया, कन्हैया से बहुत प्रेम किया है उन्होंने। जरूरी नहीं है जन्म देने वाला बड़ा हो, पालने वाली माँ जन्म देने वाली से भी बड़ी होती है, ऐसी पन्ना धाई भी रही है। अब यशोदा मैया बोली, लाला समझ में नहीं आ रही बात, बता क्या है। तो कन्हैया साफ कहते कि मैया इतनी सुंदर है, और इतनी सुंदर है कि तू मेरा ब्याह उससे कराई दे। अब तो एक लाइन में कन्हैया ने कह दिया, और जब इतना कहा तो मैया समझ गई। मैया बोलने लगी, तुझे तो मेरी काम की चिंता थोड़ी है, तुझे तो ब्याह की चिंता है, ब्याह कैसे हो। तो वह कन्हैया इस भजन के माध्यम से अपनी माँ से क्या कहते हैं सुनिएगा। इस भजन के माध्यम से कहने लगे क्या, प्यारी ओ प्यारी मैया, प्यारी मैया। अब कह
कह तो रहे हैं कि नहीं है, लेकिन यशोदा माँ कह रही लाला बड़ी नटखट है, काले नैनो वाली है, बड़ा जादू चला देगी, तू मान जा मेरी बात। तो कन्हैया बोले ना ब्याह करूंगा वैसे करूंगा, नहीं तो ना करूंगा। ब्रज भाषा में कन्हैया ने कहा क्या, प्यारी ओ प्यारी मैया, प्यारी मैया, प्यारी ओ प्यारी मैया, कहते हैं कृष्ण का नाई, प्यारी ओ प्यारी मैया, ओ प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं कृष्ण का नाई, क्या राधा से कर दे सगाई, हो राधा से कर दे सगाई, हो राधा से कर दे सगाई, राधा से कर दे सगाई, है ना तू देख लेगी ना तेरे मन को भा जाएगी। कहने लगे क्या, सुंदर वो सबसे सबसे लगती है प्यारी, 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 भले ही देखा था ना ते जमुना से झारी, भले ही देखा था जमुना के नारी, मन की भी सुंदर है यू बोले कन्हैया, मन की भी सुंदर हर बोले कन्हैया, जन्मों का बंधन है ये मेरी मैया। और कहने लगे माँ मन की भी सुंदर है यू बोले कन्हैया, मन की भी सुंदर है यू बोले कन्हैया, और जन्मों का बंधन है ये मेरी मैया। और कहने लगे क्या, बरसाने जाकर कर दे कन्हैया, कहने लगे क्या, बरसाने जाकर कर दे, बरसाने जाकर कर दे रिश्तों की गोद भराई, राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई, कटीले उसके होठों पे लाली, नैना कटीले उसके होठों पे लाली, नैना कटीले उसके होठों पे लाली, लगती है मैया कोई परियों की रानी, लगती है मैया कोई परियों की रानी, मैया नैना कटीले उसके होठों पे लाली, और लगती है मैया जैसे कोई परियों की रानी। और कहने लगे क्या, नैना कटीले उसके होठों पे लाली, नैना कटीले उसके होठों पे लाली, लगती है मैया कोई परियों की रानी, लगती है मैया कोई परियों की रानी, मेरी मैया तू उससे प्यार करा ले, जल्दी से मैया मेरी नगुनी दिखा दे, नैना कटीले उसके होठों पे लाली, लगती है मैया कोई परियों की रानी, और जल्दी से मैया मेरी लगुन लिखा दे, और जल्दी से मेरा ब्याह करा दे। और कहने लगे कन्हैया, काले नैनो वाली ने, काले नैनो वाली ने ऐसी डोर घूम
यशोदा मैया कह रही लाला बड़ी नटखट है, बड़ी तेज है, उससे ब्याह मत करियो। क्या कहने लगे? क्या बड़ी नटखट है, बड़ी शरारती है, कहने लगे क्या? जादूगरी राधा का जादू कृष्णा, जादूगरी राधा का जादू कृष्णा, उसकी मीठी बातों में लल्ला ना फसना, उसकी मीठी बातों में बातों में मत फंसी हो। कहने लगे क्या? जादू कैसे? जैसे हमारी माताएं बहने कहती है अपने बच्चों से, है जादूगरी राधा का जादू कृष्णा, जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा, उसकी मीठी बातों में लल्ला ना फंसना, उसकी मीठी बातों में लल्ला ना फंसना, लाऊंगी तेरी पगुला खाओ में होगी और तेरी सगाई ऐसी वैसी थोड़ी होगी। जादूगरी राधा का जादू कृष्णा, उसकी मीठी बातों में लाल ना फंसना, और लाऊंगी तेरी बहू लाखों में होगी और तेरी सगाई ऐसी वैसी थोड़ी हो जाएगी। और कहने लगी मैया क्या? राधा से कट्टी कर ले, राधा से कट्टी कर ले, इसमें तेरी है भलाई। भजन में आनंद आ रहा तो कहा उठा के दोनों हाथ क्या? राधा से कर दे सगाई, मेरी राधा से कर दे सगाई। अब ये सोता मैया कहने लगी क्या? ना मानी मानी रे मैया, ना मानी मानी रे मैया, कहते हैं कृष्ण सगाई, ना मानी मानी मैया। यशोदा मैया कम थोड़ी है आजकल की माताओं बहनों से, हैं? ना मानी मानी रे मैया, मैया मना कर रही है क्या? ना मानी मानी रे मैया, ना मानी मानी रे मैया, कहते हैं कृष्ण का नाई, क्या राधा से कर दे सगाई, ओ मेरी राधा से कर दे सगाई, ओ मेरी राधा से कर दे सगाई, मेरी राधा से कर दे सगाई, ओ मेरी राधा से कर दे सगाई। बोली सच्चे दरबार की जय।